मेरे को धमकी दे रहे हैं बुद्धिमान आकर, तुम जय श्री राम को क्यों नहीं मानते हो? मेरे को धमकी देने के लिए, मानने के लिए। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई कम फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ बुद्धा। आई कम फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ बुद्धा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इनको सड़क छाप लंपट कहूं, बिगड़ैल बालक कहूं, या धर्म की अफीम खाकर मदमस्त भटके हुए युवा कहूं, अगर इन अवोध बालकों को ये पता होता कि ये बुद्ध की धरती है, श्री राम की नहीं, तो एक बौद्ध स्थल पर जाकर के बौद्ध भिक्षु के साथ छीना झपटी करते हुए उनको भद्दी भद्दी गालियां ना देते, उनको वहां से भाग जाने की, बुद्ध की प्रतिमा हटा लेने की धमकी ना देते, और ना ही ये मूर्तापूर्ण शर्त रखते कि अगर यहां रहना चाहते हो तो बुद्ध की प्रतिमा हटा करके राम की प्रतिमा रखो, और ये कहते हुए इस तरीके से नारेबाजी ना करते। लोग आए हुए हैं हिंदू लोग, मेरे को धमकी दे रहे हैं बुद्धिमान आकर, तुम जय श्री राम को क्यों नहीं मानते हो? बुद्धिमान आके धमकी दी गई है, मुड़क सारे लड़के मेरे को लिए मानने के लिए आए हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा मामला शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश के कैरोरा विधानसभा क्षेत्र के महंगाव थाना क्षेत्र का है। एक बौद्ध भिक्षु सुगत तकरीबन 15 साल से बौद्ध विहार बना करके शांतिपूर्ण जीवन यापन कर रहे थे, मगर अचानक से धर्म की अफीम खाए हुए कुछ लड़के 6 महीने पहले उनके पास आते हैं, धमकी देते हैं कि चुपचाप यहां से निकल लो। जब बौद्ध भिक्षु 6 महीने बाद भी वहां से नहीं जाते तो एक बस भर के ये सड़क छाप धर्म योद्धा उनको धमकाने आ जाते हैं और कहते हैं कि यहां राम की मूर्ति जरूर रखो, अगर ये लंपट जहां से धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, मतलब मौजूदा सरकारों के शिखर पुरुषों से मोदी और योगी, उन्हीं के बयानों से सीख ले लेते तो ये बात उनको समझ में आ जाती कि ये देश किसी शंकर, राम, कृष्ण, विष्णु का नहीं, बल्कि यही सब लोग जब विदेशी धरती पर जाते हैं तो गर्व के साथ कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। अगर यकीन न हो तो इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में मौजूदा समय में कट्टर हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर योगी आदित्यनाथ जी, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को भारत आने पर बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर रहे हैं। सड़क छाप धर्म के ठेकेदारों को अगर बात समझ में ना आई हो तो प्रातः स्मरणीय मोदी जी का ये बयान सुन लीजिए। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़े होकर बहुत गर्व के साथ कह रहे हैं, हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं। अंधभक्तों के ईश्वर मोदी जी ने यूक्रेन युद्ध के बीच G20 देशों की बैठक में कहा था, बुद्ध की धरती से लेकर जाएं शांति का संदेश। इतना ही नहीं, जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है तो उसको उपहार स्वरूप बुद्ध की प्रतिमा दी जाती है, किसी अन्य देवी देवता की नहीं। इन लंपटों को एक और उदाहरण गौर से देखना और समझना चाहिए। भारत में अपनी समृद्धि को देवी देवताओं और मंदिरों को समर्पित करने वाले अंबानी परिवार यानी कि मुकेश अंबानी की पत्नी जब अमेरिका जाती हैं तो गर्व के साथ कहती हैं कि मुझे गर्व है कि मैं बुद्ध की धरती से यहां आई हूं। गुड इवनिंग, नमस्कार।
आई कम फ्रॉम इंडिया द लैंड ऑफ बुद्धा। अगर ये लंपट अपने इन तथा कथित हिंदू धर्म रक्षकों से शिक्षा ले लेते तो उनको ये बात समझ में आ जाती कि वो बुद्ध की धरती पर रह रहे हैं, तो किसी बौद्ध भिक्षु या बौद्ध विहार पर हमला करके जय जय श्री राम के जोर जोर से नारे लगाने की उनकी हिम्मत ना पड़ती। अब इस पूरे मामले में समझने की बात यह है कि 15 साल से बौद्ध भिक्षु सुगत भिंड जिले में बौद्ध विहार बना करके रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब ऐसा आखिर क्या हुआ और इन युवाओं के मन में किसने ये जहर भरा कि वो बौद्ध भिक्षु और बौद्ध विहार में जाकर के धमकी देते हैं कि यहां राम की प्रतिमा रखो वरना हम तुम्हें यहां रहने नहीं देंगे, मूर्ति तोड़ देंगे। इन अबोध बालकों के मन में इस तरह का कट्टर धर्म भरने की जिम्मेदारी इस दलाल भांड कॉरपोरेट मीडिया और उन कट्टरवादी हिंदू संगठनों को जाती है जिसने धर्म की परिभाषा ही बदल के रख दी है। दूसरे धर्मों के प्रति नफरत रखना, किसी भी तरह से दूसरे को क्षति पहुंचा करके अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करने को इन लोगों ने धर्म की परिभाषा में शामिल कर दिया है। शायद यही वजह है कि गांव में बोलने वाला बड़े संजीदगी के साथ जो राम राम या सीता राम बोला जाता था, आज वो भ्रुकुटी तान करके दूसरे को चिढ़ाने वाला जय जय श्री राम में तब्दील हो गया है। ये विशुद्ध राजनीतिक नारा है और वो गांव में नमस्कार का संबोधन हुआ करता था। किसकी जिम्मेदारी है जिसने इस भक्त हनुमान को इस एग्रेसिव और गुस्से में रहने वाले हनुमान में तब्दील कर दिया है? गाड़ियों के पीछे चिपके हुए हनुमान बीजेपी की सत्ता आने के बाद अचानक से गुस्से में क्यों रहने लगे हैं? इन्होंने रौद्ररूप क्यों अपना लिया है? वो शंकर जिनको आप भोले शंकर के नाम से जानते थे, कहते थे बड़े भोले हैं, वही भोले शंकर अब इस रौद्ररूप में आ चुके हैं। क्या इन भगवानों का स्वरूप बिगाड़ने की जिम्मेदारी इन तथा कथित हिंदुत्व के ठेकेदारों की नहीं बनती है? और इस तरह के वीडियो अगर सामने आते हैं तो जो हिंदुत्व के ठेकेदार ये दावा करने की कोशिश करते हैं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही एक पार्ट है और तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार थे, इसका मतलब वो लोग गलत समझाते हैं। नेशनल जनमत यही तो कहता है कि अपने लाभ के लिए चीजों को अलग ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इन लंपटों को यह बताने की कोशिश नहीं की जाती है। अगर इन लंपटों को यह समझाया गया होता तो बौद्ध विहार में घुस करके बौद्ध भिक्षु पर हमला नहीं करते। दूसरा एक बात और ट्रेंड में आई है कि कहीं भी जाओ हमला करो, हिंसा करो, तोड़फोड़ कर दो, बस गले में भगवा गमछा डाल लो या जय जय श्री राम के नारे जोर जोर से लगा दो। खैर इस मामले की जानकारी होते ही भीम आर्मी भिंड के जिला संयोजक बलवीर सिंह बौद्ध न सिर्फ बौद्ध भिक्षु के पास अपनी टीम के साथ पहुंचे बल्कि स्थानीय थानाध्यक्ष से स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब देखना यह होगा कि मामू की सरकार में बौद्ध भिक्षु भी सुरक्षित रह पाते हैं या नहीं, या मुस्लिमों के बाद अगला टारगेट बौद्ध भिक्षु ही हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।